के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखीसराय के नोनगढ़ पंचायत के मतदाताओं के अनुसार शौचालय और इंदिरा आवास योजना में वर्तमान मुखिया जूली देवी का भेदभाव और लूट खसोट किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले गुणसागर गांव की बहुत सारी वृद्ध और विधवा महिलाओं ने विधवा और वृद्धा पेंशन नहीं मिले जाने की शिकायत की है। लोगों में वर्तमान मुखिया के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मतदाताओं ने बदलाव के संकेत दिए हैं और पार्वती देवी को अपना मुखिया बनाने का मन बना लिया है। चुनाव शंखनाद के बाद डीटीवी भारत की टीम अभी पहुंची है लखीसराय जिले के रामगढ़ प्रखंड का। ये नोनगढ़ पंचायत है और नोनगढ़ पंचायत का यह गुणसागर गांव है, जहां पर डीटीवी भारत ने एक चौपाल लगाया है और पंचायत की और ये गुणसागर गांव की स्थिति को समझा है। आखिर 5 वर्षों में वर्तमान मुखिया द्वारा इस पंचायत में विकास कार्य किए गए या नहीं किए गए, क्या विकास के पटरी पर नोनगढ़ पंचायत चढ़ पाया या विकास के पटरी से नोनगढ़ पंचायत उतर आया। इस बीच हमारे साथ नोनगढ़ पंचायत के ये गुणसागर गांव के बहुत सारे मतदाता वयोवृद्ध युवा सभी हमारे साथ हैं और जानना चाह रहे हैं कि नोनगढ़ पंचायत आखिर कहां तक पहुंचा विकास के मामले में बीते 5 वर्षों में, ये बताइए। डीटीवी भारत जो बिहार और देश का बड़ा चैनल है जी, ये चौपाल लगाया है और आपका गांव आया है ये जानने के लिए कि बीते 5 वर्षों में नोनगढ़ पंचायत का विकास कहां तक हो पाया, आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास तो अभी तक होबे नहीं किया, से कैसन विकास होता हम लोग जानते भी नहीं। नली नहीं बना है, सड़क नहीं बना है, अभी जो पानी का है जल नल पाइप बिछा दिया, पानी उसमें गिरबे नहीं करता है और कहता है विकास, हम लोग विकास जानबे नहीं करता कैसन विकास होता है। कुछ करबे नहीं किया सर, किसी का राशन नहीं दिया है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं दिया है, विकास के नाम ही नहीं है तो क्या रहेगा सर? वर्तमान मुखिया का क्या नाम है? जूली देवी। क्या जूली देवी विकास का कार्य किए हैं नोनगढ़ पंचायत में? कुछ नहीं किया, एको कटी नहीं, कुछ भी करबे नहीं किया, नहीं आवास दिए न तो जल नल का पानी दिए, न तो रोड बनाए, न तो गली बनाए, न तो नली बनाए, कुछ करबे नहीं किए। हम लोग चाहते हैं कि मुखिया को बदलाव होना चाहिए। किनको आप लोग चाहते हैं इस बार जिताना? लट्टू यादव। लट्टू यादव खुद कैंडिडेट हैं जी? लट्टू यादव की उनकी पत्नी है पार्वती देवी। पार्वती देवी को ठीक है। अच्छा ये बताइए आप कि नोनगढ़ पंचायत में यहाँ के आम मतदाता को, आम जनता को क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाया? कुछ नहीं लाभ मिला, कुछ नहीं, रोड नहीं, गली नहीं, कुछ तो है ना, वृद्धा पेंशन नहीं है मिला तो कुछ तो है ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ, जल नल है उसमें पानी नहीं आता, लोगों को शौचालय इंदिरा आवास का सुविधा मिला लोगों को? कुछ नहीं, एक दाना नहीं सुविधा, तो जल नल कुछ कहीं नहीं, तो पैखाना के कोई नामो निशान नहीं है और जल नल तो निठा नहीं है, कुछ भी नहीं, गली आर के खरंजा के निशानों नहीं है, 20 वर्ष में कुछ भी नहीं बना। क्या विकास हुआ नोनगढ़ पंचायत का 5 वर्षों में? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम 5 हिस्सेदार पढ़ते हैं, 5 भाई, लेकिन कोई भाई भाई का न पैखाना बना है, न तार कुछ बना है, न हमारा गली बना है, कोई विकास का नाम है न है, पानी पाइप बिछा दिया, कभी पानी एक चूर उसमें जेबे नहीं करता, जिंदगी भर नहीं किया। क्या यहाँ पर देखिए युवा भी हैं, क्या नोनगढ़ पंचायत विकास के पटरी पर चढ़ा 5 वर्षों में? लोगों का कल्याण हुआ मुखिया के द्वारा, किया गया लोगों का कल्याण? जी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यादव हैं, गाय भैंस का पालन करते हैं, हम लोग को गौशाला मिलना चाहिए, एक भी गौशाला नहीं मिला। तालाब देखिए, इधर भी थोड़ा फोटो लीजिए, तालाब इतना गंदा, तालाब इतना बड़ा तालाब रामगढ़ प्रखंड में कहीं नहीं है, इसमें घाट बनना चाहिए, इसमें घाट नहीं बना है, नहर तरफ जाके घाट बनवाया है, गली देख लीजिए, शौचालय में 3000-4000 सबसे लिया गया है और एक भी काम नहीं हुआ है। अभी आगे जाइएगा देखिएगा, गली में कादो है, आप लोग को जाने भी नहीं बनेगा, अथिया निकाल गया कुल का, विकास के नाम पर कुछ होबे नहीं किया। विकास अगर होता तो घर घर भटकना नहीं पड़ता, लेबर काट वाला कुल निकाल लिया था। क्या लोगों का विकास हुआ बाबा बीते 5 वर्षों में? कुछ हो ना, हमारा के कुछ विकास, वृद्धा पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, तो घर नहीं, इनको घर रहने के लिए नहीं, अभी जाके देखिए आगे मिट्टी का था वो भी गिर गया है। अच्छा आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं।
किनको जिताना चाहते हैं? लट्टू यादव के समर्थन में। पार्वती देवी। ओ, पार्वती देवी को आप लोग मुखिया बनाना चाहते हैं। बताइए और भी लोग हैं, किनको मुखिया बनाना चाहते हैं इस बार, क्या चाहते हैं? पार्वती देवी का।